पीएचडी होल्डर को छोड़ के भाई सातवीं पास को दे रहो, सोचिए उनकी कांग्रेस की सोच कितनी छोटी है। कौन चाहेगा कि भी सातवीं पास से विधायक बने? जागरूक हो चुके हैं लोग। जातिवाद में आज तक हमने क्या निकाला है? देश को पीछे ही किया ना, तो इसको खत्म करेंगे सर। सिर्फ इलेक्शन होगा डेवलपमेंट पे, वो खुद आई थिंक सो बीए पास हैं और वो एक सातवीं पास के साथ चले गए हैं। सर ग्राफ नहीं बढ़ रहा सर, ये प्यार बढ़ रहा है मेरे जो हल्का वासियों का। सर प्यार बढ़ता जा रहा है और मुझे जो मैंने सोचा था कि भाई मेरे हल्के को मैंने डेवलप करना है, विकसित करना है, अब लगता है कि वो सपना मेरा साकार होने वाला है। मेरी जनता का प्यार जो अपार प्रेम मिल रहा है, अब वो दिन दूर नहीं कि यहाँ से भी कमल खिलेगा। आने वाले समय में और बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग करवाने वाले ऐसा सुनने में आता है? सर देखो जैसी संगत वैसी शोभा, जैसे भी जैसे हमारी इतनी खूबसूरत पार्टी है तो खूबसूरत लोग जुड़ रहे हैं, तो जैसे उनकी पार्टी है वैसे वहाँ लोग जुड़ रहे हैं। ये तो सर एक प्रेम है, अपने देश प्रेम है, जो लोगों ने लगता है कि भाई अपने देश का भविष्य किन के हाथों में सुरक्षित है, तो वो लोग हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। और मैं तो युवाओं से भी आह्वान करूँगा कि आप भी जुड़िए, जब तक देश के युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो हमारा देश आगे कम बढ़ेगा। बढ़ तो रहा है बहुत, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। सतपाल जी, गांव सलेमपुर मदूद में आज भव्य स्वागत आपका हुआ, लगभग 70% लोग यहां पर मौजूद थे, क्या कहेंगे? ये सर हर गांव, केवल मदूद से नहीं है, मदूद सर इतना मतलब सुंदर गांव, इतना प्यारा गांव है और यहां से भी अपार प्रेम मिला है। मैं सफाई अभियान में भी आया था, लोगों ने बहुत प्यार दिया। यहां हर घर में हमें चाय का प्रोग्राम मिला, हमारा सफाई अभियान था, हर घर में हमें यहां पे चाय पिलाई गई थी। तो इन लोगों में दिल में बहुत प्यार है, तो ऐसा हर गांव में हमें प्यार मिलता जा रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। तो बस वो दिन दूर नहीं है, कह रहा भी अब एक डेट बाकी रह गई है और फिर कमल खिलेगा। अपने प्रतिद्वंदी के गांव में आपने अच्छी सेंध मारी की है, जड़ोला गांव में, क्या लगता है कि छवि उस तरीके से नहीं है? आपने भाषण में भी कहा कि कोई सातवीं फेल है और वो पढ़े लिखों पर राज करना चाहता तो लोग ऐसे नेता को ना चुने। मैंने पहले भी कहा था कि जो कांग्रेस है उन्होंने एक कैंडिडेट ही एक एजुकेटेड नहीं दिया, जबकि 30 की अगर लिस्ट देखें जिन्होंने नामांकन किया था, जो जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें से पीएचडी होल्डर भी थे। तो मैंने तो ये चमका एक पीएचडी होल्डर को छोड़ के भाई सातवीं पास को दे रहो, सोचिए उनकी कांग्रेस की सोच कितनी छोटी है। अगर एक पीएचडी होल्डर होता तो हमारा कंपटीशन अच्छा होता, लेकिन आज तो कंपटीशन ही कुछ नहीं है। कौन चाहेगा कि भाई सातवीं पास विधायक बने? जागरूक हो चुके हैं लोग सर। तो मानते हैं आप जो लड़ाई है वो डेवलपमेंट पे आ गई है बजाय कि जातिवाद के यहाँ पे? सर मैं जातिवाद ही खत्म करने आया हूँ सर। हमने कुछ जातिवाद में आज तक हमने क्या निकाला है? देश को पीछे ही किया ना, तो इसको खत्म करेंगे सर। सिर्फ इलेक्शन होगा डेवलपमेंट पे, वो 36 बिरादरी का इलेक्शन होगा। मैं तो यही आह्वान करता हूँ कि भूल जाइए जात पात को और अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए एक अच्छा सुंदर सा पुंडरी बनाइए। जो युवा साथी आजकल फेसबुक पर जातिवाद की राजनीति करते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं तो कहता हूँ सर उनकी सोच बहुत छोटी है। मैं कहता हूँ भाई अगर वो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनकी सोच को बड़ा करे और जो भी यहाँ डिजर्व करता है वो आए और अपने हल्के को विकास की गति से आगे लेके जाए। रणधीर गोलन के समर्थन से क्या आपको लगता है कि आपके ग्राफ में कुछ? ये सर फर्क नहीं पड़ता सर, मतलब कौन आया, हमने सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने पुंडरी को डेवलप करना है। ये तो सर उनका जो लालच होगा या कुछ होगा वहाँ चले गए हैं भाई। उनको लगता है कि भाई वो कांग्रेस है, क्योंकि उनको पता है कि सर देखो भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई रिश्वत वगैरह नहीं चलती, बिना खर्ची पर्ची नौकरियाँ मिलती हैं। तो उनको सर कोई कुछ ज़्यादा ही स्वार्थ होगा तो वहाँ पे गए हैं, उनको अपने पुंडरी हल्के से कोई मतलब नहीं है। देखिए वो खुद आई थिंक सो बीए पास हैं और वो एक सातवीं पास के साथ चले गए हैं, तो सोचिए सोच कैसी है। मेरा नाम है चौधरी गुरबचन सिंह, गांव जडोला। अच्छा जी, सतपाल जाम्बवे से खेल आ गया भी आपने समर्थन दिया। इनकी सोच बहुत ऊंची है, ये बहुत अच्छे विचारों के आदमी है, इन्होंने तो किसी प्रकार का लालच नहीं है, समाज से भी आदमी है और मोदी जी के नेतृत्व में जैसे मोदी जी हैं वैसे ये है, किसी प्रकार का इन्होंने लालच नहीं है। अच्छे सफाई का काम किया इन्होंने सारे गांव में और आगे भी करेंगे। और जो हमारे महल्ले थे पहले वो लालच करते थे, इन्होंने किसी प्रकार का लालच नहीं है, ये तो समाज से भी आदमी है, इस करके मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। कितने लोगों के साथ आपने समर्थन दिया? मेरे लगभग 500 आदमियों के साथ जडोले में समर्थन दिया मैंने, गांव जडोला से 500 आदमियों के साथ। किस प्रकार जिताने का काम करेंगे इनको? आप जिताने का पूरे रुक के मारेंगे, अब अपना देंगे इलेक्शन में पूरी डुंडे ठा देंगे। आपका गांव में तभी खड़े एक जना सुल्तान जडोला? हाँ खड़े है, उसके काम हमारे पसंद नहीं आए, वो उसमें कुछ कमियां है, उन कमियों ने छोड़ कर हमने वो छोड़ दिया। ऐसी क्या कमी लगी उनमें? हाँ कमी बहुत है, सारी नहीं कहा करते मेरे गांव का। की ज्यादा साथी था रणवीर गोलन का, लेकिन उन्होंने तो किसी का पूछा ही नहीं, अपने आप ही चले गए।
किसी से बात ही नहीं की। मतलब अकेला अकेला चला गया, एक भी समर्थक उनके साथ नहीं गया। कोई हो तो मेरे को बता दो, जितने समर्थक खड़े हैं सारे आज सतपाल जम्बा जी के साथ आ गए, बीजेपी पार्टी जी के साथ आ गए, उनके साथ तो अकेले गए वो तो, और जाकर उड्डा जी के पैरों में पड़ गए और परना उड़ का घर आ गए। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा गया, क्या कार्यकर्ता फिर उनका समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे, उनका क्यों करेंगे? सतपाल जम्बा जी की अच्छी सोच अच्छे विचार है, इनका करेंगे उनका क्यों करेंगे? यानी फिर अकेले नहीं समर्थन करे सुल्तान जम्बा का? किसना गोल्डन साहब ना समर्थन क्या ना करे, तो उड्डा जी का समर्थन करे आपने, मतलब अकेले नहीं करे ये समझो, उड्डा जी का करे, उड्डा जी का नहीं कल उनका भी तो। अरे मैं उसके गिल्ला लगा गया, वो तो बोल का भी राजी नहीं उसके गिल्ला। सुल्तान के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी? किन की? गोलन जी की। कल हुई होना बेरा नहीं मेरा, हम तो परसों आ लिए तो ना कह का नहीं कहता, मैं तो बीजेपी में जाऊंगा, मारा भी धोखा देगा भाई जी, बोल के करो उसका दे ना हुई बात उड्डा साहब के पैरों में पड़ गया, आप के करा भी हमने तो कह दिया था भाई हम तो सीधी बात है बीजेपी में जावांगे, माना बीजेपी पार्टी अच्छी लगा।